बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो अब्दुल मलिक फरीद चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अराउंड काबा मक्का शरीफ मस्जिद अल हराम इन मक्का सऊदी अरेबिया। तो मक्का के बारे में बताएंगे और मस्जिद अल हराम के बारे में बताएंगे, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब्दुल मलिक फरीद। तो स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था आखिरी वीडियो में कि काबा शरीफ पे मैं ये वीडियो बनाऊंगा, काबा के बाहर जो जो चीज़ें हैं तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक तारीख़ी वीडियो तो नहीं होगी, यानी कि जैसे तारीख़ के बारे में, काबा की तारीख़ के बारे में मैं बात करूं या कुछ ऐसा। ये सिर्फ़ जो काबा शरीफ के पास चीज़ें हैं या काबा शरीफ के जैसे दरवाज़ा है, मुल्तज़म है, हिजर अस्वद और चार जो कोने हैं काबा शरीफ के, उनके नाम कौन कौन से हैं और हतीम और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये एक तारुफ़ाती वीडियो होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को एक्टिवेट कर लें। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक काबा शरीफ का 3D मॉडल है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं तवाफ़ वाली फ़ोटो डालता तो उस पर थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं होगा आपको, तो इसलिए मैंने ये 3D फोटेज डाउनलोड की हैं, तो उन पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हिजर अस्वद है, सबको पता है हिजर अस्वद, और ये जो कोना है इसको रुकन अल हिजर अल अस्वद कहते हैं, यानी कि हिजर अस्वद वाला कोना। तो हिजर अस्वद का तो आप लोगों को अक्सर को पता होगा कि हिजर अस्वद जो है जन्नत का पत्थर है, और जब जन्नत से आया था ये पत्थर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इसका रंग सफ़ेद था पहले, और बनी आदम के यानी कि हम लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग जो है वो काला हो गया। तो हिजर अस्वद के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये काबा शरीफ का दरवाज़ा है जो मुख्तलिफ अदवार में जिस पे सोना चढ़ाया गया है और जिसका तरक्याती काम होता रहता है मुख्तलिफ अदवार में, जिस पे दरवाज़े के ऊपर कुरान की आयात भी लिखी हुई हैं, और ये दरवाज़ा जो है सोने का बना हुआ है। और अगर ये वाला मुसाफा आप देखें नीचे से ऊपर तक तो ये 2 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन से दरवाज़े तक का जो हाइट है ये 2 मीटर से ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है काबा शरीफ के साइड पे ये दहलीज़ लगी हुई है। मुझे पता है यहाँ पर जो लोग आ चुके हैं उन्होंने तो ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं जो अभी तक नहीं आ सके। तो जो लोग आ भी चुके हैं यहाँ पर एक बार होके गए हैं तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें हों उनको पता ना हो काबा शरीफ के बारे में, तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि उनको बताऊँ। तो ये दहलीज़ की तरह है, काबा के इर्द गिर्द सिर्फ दरवाज़े के सामने नहीं है, जो काबा शरीफ का दरवाज़ा है उसके सामने नहीं है, तो इसको अरबी में तो इसको कहते हैं शाद रोमान। तो ये जो है ये मार्बल का बना हुआ है, और अगर आप देखें तो काबा शरीफ का जो खिलाफ है उसके वो नीचे से अटैच होता है, यहाँ पर जो काबा शरीफ का खिलाफ है वो यहाँ पर नीचे अटैच होता है इस शाद रोमान के साथ। तो इस पे बड़े बड़े ऐसे कड़े लगे होते हैं, अगर आप हरम में गए हों तो आपने देखा होगा, काबा शरीफ के पास अगर आप गए हों तो आपको पता होगा, और काफ़ी लोग नहीं गए तो उनको यहाँ पर तस्वीर में कुछ नज़र आता है। तो ये सारा मार्बल नीचे लगा होता है सफ़ेद कलर का, संगे मरमर का, जो ठंडा रहता है धूप में भी, आपको पता है यहाँ मक्का का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो ये ठंडा रहता है हमेशा। तो जैसे ही लोग तवाफ़ करते हैं इस जगह को हाथ लगाते हैं या इस दहलीज़ के ऊपर चढ़ते भी हैं काफ़ी लोग, तो जो है वो उनको गर्म नहीं लगता। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल तीखा नहीं होता, जैसे इसको गोल किया हुआ है ताकि जब लोग चलें तो उनके पाँव पे दर्द ना हो या लग जाए कहीं, तो बिल्कुल उनको तकलीफ़ ना हो। तो ये इस हिसाब का ये बना हुआ है शादरवान नीचे। तो ये जो शादरवान है यहाँ पर दरवाज़े के सामने भी नहीं लगा हुआ और दूसरा हतीम में भी नहीं लगा हुआ, जिसे हिजर इस्माइल भी कहते हैं, हतीम भी कहते हैं, तो ज़्यादातर तो हिजर इस्माइल कहते हैं कि पहले हतीम कहा जाता था
क्योंकि हतम हुआ था। हतम का मतलब ये होता है कि गिर जाना, तहतीम होता है गिर जाना, तो हतम भी वहीं से निकलता है। तो हतीम भी इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि कहा जाता है कि काबा शरीफ का जो है ना ये वाला हिस्सा गिर गया था हतीम वाली साइड का, तो उन्होंने अंदर वाली साइड से बना दिया, इसीलिए अब हतीम के अंदर भी जो है फ़र्ज़ नमाज़ें हतीम के अंदर भी नहीं पढ़ते, और जब तवाफ़ भी करते हैं तो भी हतीम के बाहर बाहर से करते हैं तवाफ़। तो इसलिए ये हिजर इस्माइल भी कहते हैं और हतीम भी कहते हैं इसे। तो इस जगह को मुल्तज़म कहा जाता है। मैंने पता नहीं पहले आपको बताया शुरू में जब हिजर असवर की बात कर रहा था या नहीं, बहरहाल ये मुल्तज़म है, और यहाँ पर मुल्तज़म की जगह पे यहाँ पर इबादत की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो इस बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मुल्तज़म की कितनी अहमियत है। जब आप आएँ तो कोशिश करें यहाँ पर दुआ मांगें मुल्तज़म के पास खड़े होकर, तो आप पहले सर्च कर लें उस बारे में। मैं सिर्फ इस वीडियो में तारुफ़ करवा रहा हूँ इन जगहों का। तो आपको पता है कि काबा शरीफ की एक एक कोने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा तारीख़ है। तो अगर एक एक चीज़ के बारे में भी मैं वीडियो एक एक भी बनाऊं तो 20-20 मिनट की वीडियो भी बन सकती है, इतनी ज़्यादा अहादीस और सब कुछ है, आप जानते हैं इस चीज़ को जी। उसके बाद ये आप देखें यहाँ पर काबा शरीफ के पास मकाम इब्राहिम है, तो इसके बारे में भी काफ़ी अहादीसों में इसका ज़िक्र है। जैसे आप तवाफ़ कम्प्लीट कर लेते हैं तो इसके पीछे मकाम इब्राहिम के पीछे मुल्तज़म के सामने आप दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम के पीछे आप नवाफिल अदा करें, वो अफजल समझे जाते हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों में अज़ान का कहा था या लोगों को हज के लिए बुलाने के लिए हुक्म दिया था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने इसी पत्थर के ऊपर खड़े होकर लोगों को हज के लिए बुलाया था। और कुछ लोग हमारे यहाँ मैंने सुना है, अल्लाहु आलम सही बात है या क्या है, कि ये इस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा शरीफ तामीर कर रहे थे, तो इस पत्थर के अंदर उनके पांव जो है ना उतर गए थे, तो वो वाला पत्थर है। बहरहाल यहाँ पर जो अरब में बात मशहूर है वो ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर जो मकाम इब्राहिम के अंदर है लोगों को हज के लिए बुलाया था अल्लाह ताला के हुक्म पे। लेकिन ये बात है कि ये वही पत्थर है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात हैं इस पत्थर के ऊपर, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। ये काबा शरीफ के पास ही है। तो उसके अलावा मैंने आपको अभी हिजर अस्वद बताया था, और इस कोने का नाम है रुकन अल हजर अल अस्वद, और दूसरा जो कोना है अपना इस साइड वाला, ये वाला जो कोना है ये इस तरफ हजर अस्वद है, और ये वाला जो कोना है इसको कहते हैं रुकन अल यमानी। यहाँ पर जब हम तवाफ़ करते हैं तो इस कोने से लेकर हिजर अस्वद तक जब जाते हैं तो वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार वादखुलना जन्नतम अल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। और यहाँ पर भी तकबीर करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और यहाँ पर भी आगे जाकर भी तकबीर करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, तो इस तरह एक चक्कर पूरा होता है, और इसको रुकन अल यमानी कहा जाता है। यहाँ पर हाथ लगाना भी सुन्नत है, ये जो नीचे वाला कोना होता है ना रुकन अल यमानी का, हमारे कुछ लोग चूमना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हदीस में ये साबित नहीं है कि आप चूमें रुकन अल यमानी को। चूमना जो है वो हिजर अस्वद को साबित है और सुन्नत है चूमना हिजर अस्वद को, लेकिन रुकन अल यमानी को चूमना जो है वो सुन्नत भी नहीं है, हदीस में भी वारिद नहीं है। ये है कि उसे हाथ लगाना जो है वो सुन्नत है। तो जब आप हिजर अस्वद की तरफ जा रहे होते हैं आपका चक्कर कंप्लीट होने वाला होता है एक तवाफ़ का, तो रुकन यमानी को हाथ लगा के फिर आप रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वाली दुआ जो है वो आप शुरू करते हैं। तो रुकन अल यमानी जो है वो यमन से नस्बत होती है उसकी, क्योंकि यमन की तरफ पड़ती है रुकन अल यमानी, तो इसलिए उसे रुकन अल यमानी कहा जाता है। तो दूसरा जो कोना है यहाँ पर हतीम के करीब, अभी यहाँ से आपको पता चलेगा, ये वाला जो कोना है इसे रुकन अल इराकी कहा जाता है, क्योंकि यह इराक़ की तरफ पड़ती है, यानी कि इराक इस तरफ है, और ये वाली रुकन जो है जो ये वाला कोना है इसे रुकन अल शामी कहा जाता है। तो ये दो कोने वो वाले हो गए, और उसके बाद ये मेज़ाब है, यहाँ पर रहमत का परनाला भी कहा जाता है, और अरबी में मेज़ाब अर-रहमा भी कहा जाता है इसे। ये मेज़ाब है, जब बारिश होती है तो काबा शरीफ की छत पे जो पानी होता है वो इसी मेज़ाब से नीचे आता है, हतीम में सीधा आता है। तो इसे हमारे लोग रहमत का बरनाला भी कहते हैं, और अरब लोग जो हैं वो मेज़ाब, तो इसको बरनाला, मेज़ाब का मतलब है बरनाला, और वही बरनाले से ही उन्होंने ये नाम
दिया हुआ है कि रहमत का बरनाला, तो जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी गिरता है और काफ़ी लोग को नहाने की भी कोशिश करते हैं उस पानी में। और मज़ीद आपको पता है काबे के चारों तरफ जो है गिलाफ है, रेशम से बना होता है ये गिलाफ और इसके ऊपर कुरान की आयात लिखी होती हैं और हर साल जो है ये गिलाफ चेंज होता है यौम अरफा को, जिस दिन लोग हज करते हैं अरफात में होते हैं तो उसी दिन ये गिलाफ चेंज किया जाता है और काबा शरीफ का दरवाज़ा भी खुलता है। और जैसे अभी शाबान का महीना चल रहा है रमज़ान से पहले वाला, तो इस महीने में भी काबा शरीफ का दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से घरों में बंद हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है तो हमें अलाउड नहीं है घर से निकलना, वरना मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाता। और दूसरा यही तवाफ़ के सहन में ही बीर जमज़म है, यानी कि जो जमज़म का कुआँ है वो यहीं तवाफ़ के सहन में ही है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन जब मैं शुरू से सऊदीया में आया था, जब बचपन में छोटा था, तो मैं काफ़ी बार वहाँ पर गया था, वहाँ पर जो जमज़म का कुआँ है उसे मैंने खुद देखा हुआ है। तो अब भी मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में कि आप लोगों को वहाँ नीचे जाके जमज़म का कुआँ दिखाने की कोशिश करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। देखूँगा इंतज़ामिया से बात करके, तो अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैं आपको जाके जमज़म का कुआँ दिखाऊँगा। लेकिन उसकी ये फ़ोटेज हैं यहाँ पर गूगल में, काफ़ी फ़ोटेज हैं, ये देखें ये जगह थी, यहाँ पर ये काफ़ी छोटी तस्वीर है। दूसरा मैं आपके साथ ये एक पुरानी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये जो है ये जमज़म का कुआँ है, तो अभी इसे बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप नया डिज़ाइन देखते हैं सहन का, तवाफ़ के सहन का, तो यहाँ पर मताफ में ही है ये जमज़म का कुआँ। तो जब मैं छोटा था यहाँ पर आया था पहली बार सऊदी अरब में, तो तब मैंने देखा था, मैं गया था यहाँ पर, ये जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, शायद आपको पता चल रहा हो, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे उतर के आप कुएँ के पास जा सकते थे। ये है कि कुआँ उस टाइम भी बंद था, शीशा लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते थे कुएँ को, जमज़म के कुएँ को, और आप महसूस भी कर सकते थे, और नीचे काफ़ी जो है टूटियाँ वगैरह लगी हुई थी जहाँ से आप जमज़म पी सकते थे, और हमारे कुछ लोग वहाँ पर जमज़म से नहाते भी थे। तो ये जगह है वो जहाँ पर जमज़म का कुआँ है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, मैंने आपको कोशिश की है कि काबा शरीफ के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं और काबा शरीफ के बाहर का जो हिस्सा है उसके बारे में मैं आपको मालूमात दूँ, और जमज़म के कुएँ के बारे में भी मैंने आपको मालूमात दी हैं यहाँ पर कि कौन सी जगह पे जमज़म का कुआँ मौजूद है इस वक्त भी, लेकिन वहाँ अभी बंद कर दिया गया है ऊपर से। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो मज़ीद मक्का की वीडियोस देखने के लिए आप ये प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस दायरे पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या हमें पहले ये पता था कि जमज़म का कुआं बिल्कुल पास में पता था? हाँ, फिर मेरे को नहीं पता होगा। मेरे को ये इतना था कि जो भी लोग हज करने जाते हैं ना उसे जमज़म का पानी मिलता उधर, ठीक है, ये नहीं पता था कुआं बिल्कुल पास है। मुझे लगता था कुआं थोड़ा दूर होगा, वहाँ से पानी ला के वहाँ देते होंगे, बट अब मुझे यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई है कि जमज़म का जो कुआं था वो इधर ही था और उल्टा नीचे की तरफ था। और एक जो इन्होंने दिखाया उसमें आप क्या कर दिया, इन्होंने बीच में काबा शरीफ है और चारों तरफ लोग उसके इबादत करते हैं। वो जो एक फुटेज दिखाई थी उसमें ये था कि काबा शरीफ बीच में है और जमजम का कुआं था, उसके ऊपर एक छोटा सा बना हुआ था, कुछ घर या बिल्डिंग से कुछ बनी हुई थी, मे बी वो जमजम का पानी वाई कटता होकर लोगों को पिलाते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो अब मे बी सऊदी हुकूमत ने वो चीज हटा दी वहां से और जमजम का जो कुआं है उसका रास्ता थोड़ा सा पीछे से कर दिया। हाँ, तो अब वो पूरा राउंड लगता है, ऐसा होता है कि जो भी जाएगा पूरा राउंड है, अदरवाइज पहले तो था वो बीच में वो अड़ता होगा। हाँ, तो अब कम्प्लीटली राउंड लगता होगा। और जमजम का कुआं वो भी देखना चाहेंगे और ये कह रहे हैं कि बंद था, मतलब पहले गए तब भी बंद था, अभी भी कांच से बंद, कांच का फ्रेम दिया होगा, बंद क्या होगा। तो अच्छी बात है क्योंकि इतनी कीमती चीज है तो उसकी रखवाली तो करनी ही चाहिए। और काफी अच्छे समझाया है इन्होंने, 3D मॉडल लेके उसमें जूम जूम करके समझाया, और जो काबा शरीफ का मेन डोर है उसके नीचे से 2 मीटर मतलब 6 फीट का फासला, बंदा पूरा खड़ा हो जाएगा 6 फीट का पूरा फासला। उसके अलावा जो पत्थर से चारों तरफ, उसके नाम तो हम नहीं पता कर पाए, हम मतलब भूल गए, याद नहीं है। हाँ, तो जो स्कर्टिंग टाइप कह लो, जो बड़ा सा पत्थर स्कर्टिंग टाइप था, 1.5-2 फुट का पत्थर था वो, उसके भी एजेस एकदम गोल किए हुए थे। हाँ, वो स्मूथ किए हुए थे ताकि लोगों को लगे ना बिल्कुल, और उसमें कुंडे भी थे ताकि ऊपर जब आप वो डालो ना
वो डालो तो वो कुंडे से पकड़ के वो क्या होता है वो जो पर्दा देते हैं, हाँ जो गिलाफ होता है वो लग जाए। और कहते हैं साल में एक बार वो चेंज होता है। और पता है उसके ऊपर जो लिखा होता है ना कुरान की आयतें होती हैं और सोने से लिखी होती हैं वो, सुनहरे अक्षरों से लिखी, सोने से लिखी होती है। ये हमने वीडियो पहले भी करी थी ना, तो उसमें भी हमें डिटेल में उन्होंने बताया था कि स्पेशली हमने गिलाफ के लिए की थी वो वीडियो, उसमें भी डिटेल से बताया था। पहले हमें ऐसा फील होता था कि वो पेंट है, पत्थर है, मेरे को तो लगता था ब्लैक पत्थर है। हाँ मेरे को, मैंने बहुत देखे था ना, मेरे को लगता था कि काला पत्थर है, उसके ऊपर बीच में कुछ लिखा हुआ गोल्डन से कुछ लिखा हुआ है। मेरे को जब डिटेल में देखा जाए तो पता लगा ये तो गिलाफ टाइप है, कपड़ा है। हाँ बिल्कुल। और हज़रे अस्वद का तो हमें ऑलरेडी, हमने एक वीडियो इसके लिए अलग से डिटेल की थी कि ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है और हज़रत इब्राहिम के टाइम पे आया था ये, और ये वाइट कलर का था जो कि हम, हाँ जो कि हम इंसानों की गलतियों से या बुरे कामों से वो काला हो गया, ब्लैक हो गया। हाँ, और जो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो शॉट लिया था ना हज़रे अस्वद का, वो ऐसा लग रहा था खजूर है, एकदम जूम इन किया हुआ था। हाँ, फिर धीरे धीरे जूम आउट करते हुए पीछे आए तो लग रहा था पता चला। हाँ बट अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, और जो जूम इन वाली पिक्चर थी वो ऐसे लग रहा था, मुझे लगा खजूर है, मुझे ऐसा लग रहा खजूर है। हाँ बट अच्छा है, ठीक है। और एक वो जगह दिखाई, वो मैंने अभी नोटिस करी, मैं भी पहले कभी नोटिस नहीं करी, वो छोटा सा पत्थर था उसके ऊपर वो बना हुआ था जहाँ पर हजरत इब्राहिम खड़े होकर लोगों को अजान के लिए या हज के लिए बुलाते थे। हाँ हाँ, सबसे पहले उस पत्थर पे खड़े होकर उन्होंने बोला था कि अब हज करने आओ। हाँ तो वो पत्थर भी, वो पत्थर को पूरा फ्रेम करके वहाँ करके वो बीच में है। तो काफी अच्छा लगा गाइस, बहुत बढ़िया वीडियो थी और काफी अच्छे तरीके से समझा इन्होंने। और एक वो भी था ऊपर उसके काबा के रूफ में, उन्होंने बरनाला बनाया हुआ था ताकि बारिश का पानी निकल जाए। काफी लोग कहते हैं जब पानी आता है तो उससे नहाते हैं, या काफी लोग उसे शुद्ध मानते हैं एक तरह से, मतलब अल्लाह का पानी एक तरह से कुछ मानते हैं। तो बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो थी ये, और ये थी अब्दुल मलिक फरीद चैनल से। तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।